हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल टाटू फैमिली पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का नया ब्लॉग बहुत ही खास होगा, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे ब्लॉग के साथ बने रहना। सुबह का टाइम है, करीब बजे हैं 8:30। और तो 8:30 मैंने अभी तो बस कुछ भी नहीं किया, अभी तो बस ये रूम की साफ़ सफाई कर रही थी। और अब चलते हैं बाहर, अब बाहर दिखाते हैं। पर गई अभी पूजा करने, तो उसे दिखाऊंगी मैं आपको। और इनके ही ये आती है, झाड़ू पोछे करने आती है रोज़ सुबह। तो 7:30 बजे आ गई थी ये, तो ये रोज़ आ जाती है पूरा काम कर। ये आ गई अम्मा, ये सुबह सुबह नावेली है ना, बस पूजा करने गई थी तुलसा जी की। अब नीचे नीचे पूजा करेगी। अच्छा हो रहा है, चलो दिखाती हूँ आपको। जब एकदम धूप खिल रही है, एकदम बिल्कुल सर्दी नॉर्मल हो गई है। गाँव में तो फिर भी लगती है, पर सिटी में तो कम है सर्दी नॉर्मल हो गई। क्योंकि गाँव में फसलों की वजह से थोड़ी हल्का मौसम ठंडा लगता है ना, वैसे ही। तो ये ब्लॉक में आपको बता रही थी क्योंकि संडे है आज, तो संडे। और मैंने कर ली है पूजा, आप पूजा करके बस आपको बता रही हूँ। आज तो मैंने ढेर सारे कपड़े धोए थे, तो कपड़े धोने संडे को ही धोती हूँ सारे कपड़े। और सिर भी धुला था, कर देती हूँ लाइट बंद और चलते हैं बाहर। देखा क्या कर रहे हैं बाहर, अभी तो इसका पोत देखो, पानी वेस्टेज हो रहा है ना, पानी की बाल्टी भर गई पानी में। अभी कहाँ जाओगी आप, किसके जाओगी? मुझे राम राम करो सबसे। राम राम। हाँ तो मैं बना रही हूँ खाना, और इसलिए बना रही हूँ मैंने लौकी, गाजर और आलू की सब्जी और ग्रेवी। अच्छा अम्मा जा रही है आज वोट देने। देखो जो बार बार फोन आ रहे हैं इसके पास में कि जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या कह रही हो? हाँ पानी बोतल ले जाओ। पानी की बोतल लेके जा रही है अम्मा, क्योंकि वो बजरिया में जाएगी वोट देने के लिए। और हम लोग हैं सिटी, तो यहाँ से बहुत दूर पड़ जाती है। और फिर अब यहाँ पे ही गर्मी पड़ने लगी है, धूप में तो थोड़ी देर भी नहीं रुक पाते हैं अपन। तो इसलिए वो कह रही है मैं बोतल ले जाऊँ उनके, ठीक है ले जाऊँ। रोटी खा ले रही, बड़ा बड़ा दिखाऊंगी आपको। रोटी अब मैं खाना खा लेती हूँ, मैं खा ले रहा है ऐसे कर रही है। खाना तो खा ली एक बार, तो ब्लॉग के साथ बने रहना। आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। तो मैं खाना मैंने इसमें डाल लिया खाना, तो आप भी खा लीजिए। अच्छा तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए, मैं खाना खा लेती हूँ, ठीक है? तो दोस्तों मैं गई थी बाजार, फाइट कर दिया ऑन, तो वहाँ से लाई थी सब्जी। तो मुझे करना है अभी, तो मैं लाई थी देखो गाजर, और इसमें लाई हूँ टमाटर मिर्ची, और नींबू तो मैं लाती हूँ, और अब करनी है मुझे मेथी साफ, क्योंकि मेथी में बहुत टाइम लग जाता है। अब इसको साफ करना है, अब कर लेते हैं अपन मेथी साफ, कर देते हैं वाइट बंद, और अब चलते हैं। अम्मा तो क्या अभी आई नहीं है ना, वो वहां गई थी बोर्ड दे। मेथी के पराठे बना लो, हरी सब्जी बना लो, कुछ भी बना सकते हो, जो आपको पसंद हो, बच्चों को पसंद हो। पर क्या करूँ, मेरे पास तो बच्चे भी नहीं है। मेरी निकिता से सुबह बात हुई थी, आज हम दोनों माँ बेटी बहुत भयंकर रो रही थी। मेरी गुड़िया छोटी बड़ी वाली,
छोटी वाली दोनों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया था आज, तो बड़ी वाली गुड़िया ने खाना भी नहीं खाया था और बोल रही थी मम्मा आप कब आओगी। तो इसलिए मैं गांव भी जल्द जाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे गांव में एक शादी भी है और दूसरे बच्चों के पास जाना ज़रूरी भी है, तो इसलिए तो बच्चों के पास मैं जल्द ही जाऊंगी। बच्चों से दूर रहते हैं और इस टाइम पे क्या सभी के सिरसों वगैरह भी कट रही हैं? हमारी तो अभी नहीं आई है, अभी टाइम लगेगा, अभी तो हरी है, हल्की हल्की है जी जिन्हों कह रही है, अभी तो टाइम लगेगा, इसलिए अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। ठीक है तो मैं कर लेती हूँ फटाफट में तीसा। देखो अम्मा क्या लेके आई है रस्ते में, कि मैल छुड़ाने के लिए पत्थर, ये बोर्ड देने के लिए गई थी ना जो थक गई थी, अभी आई है। और अब देखो रस्ते में की और तो कुछ नहीं मिला, इसे पत्थर मिला था, कोई बात नहीं, पत्थर लेके आई है अम्मा। और अब मैं कर लेती हूँ, ये आराम कर लिए, मैं अपनी सिलाई कर देते हैं स्टार्ट। बंदर तो उनकी कर लेते हैं हम सिलाई। अम्मा तोड़ रही है मेथी, क्योंकि पहले मैंने तोड़ी नहीं थी, रख दी। मैचिंग की मम्मी ने बुला लिया था तो उसके पास चली गई थी किसी कारण, बाहर बैठी हुई थी वो। अब देखो अम्मा तोड़ रही है, अब अम्मा के साथ में मैं भी तोड़ लेती हूँ। अम्मा मेरे पूरी हेल्प करा देती ये बड़े साइज के पत्तों की होती है ना, वो छोटा पत्ता क्यों है, तो इसे बड़े साइज के पत्ते होते हैं, वो मेथा होता है, मेथा मेथा नहीं, यह है मेथा। अच्छा क्या मेथा है? मेथी तो है। अच्छा बाई तो मेथी अच्छी। और ये मैंने इसे काट लिया तो अब मैं जा रही हूँ अंदर, देखो लहसुन मिर्ची और पानी लेके, क्योंकि मैं सिलबट्टे पे पीस के लेके आऊँगी, इसलिए आंटी जी का सिलबट्टा ऊपर है, जब भी मैं हरी सब्जी बनाती हूँ ले आओ, तो जब भी हरी सब्जी बनाती हूँ तो मैं ऊपर ही जाती हूँ पीसने के लिए, तो आंटी जी को साथ में ले जाती हूँ, वहीं पे पीस लाती हूँ। हम लोग आ गए हैं ऊपर, ऊपर देखो कितना अच्छा लग रहा है चारों तरफ मौसम, एकदम पहाड़ के जस्ट नीचे बिल्कुल सेंटर में नहीं, थोड़ी दूर है इसे, एकदम पहाड़ के नीचे नहीं है, इधर को भी पहाड़ पहाड़। आंटी जी मेरे पियर में तो हम पहाड़ के नीचे ही रहते हैं, पहाड़ के नीचे जस्ट। ये अपनी पिस गई हरी मिर्च और लहसुन, दम झक्कास। ओ कोई नु क्या चोर लेगा खाई पतो, कोई नु कबाड़ी वाला लेगा, कबाड़ी आ तो खेरी में सुठा ले जा भाई, मैं सुतो गली में का तो कर ले जा तुम आले ना। आंटी नीचे सो तो ऊपर कहीं आ, तो मैं जनाला की नहीं थोड़ी पे देखा कोई तो कोने पे, तो अरे जा रहा गाड़ी जा रहे, ओ माय पाई मारी चप्पल रहा है, अब फिर वो आ गई ना आंटी, कबाड़ी लेत ले लारे करते रहे। ओए हां आ रही छे रे एक बंदर, तो देखो तार रही चेरे कह लिपट रहे, तो मेरी बन गई सब्जी, ये बनाई मैंने मेथी दाल,
इसमें दूध गर्म कर लेंगे, सब्जी लेंगे और हमारी रोटी बना के रख दी, जब खाना होगा तब खा लेंगे। अम्मा देख रही है टीवी। कारण दिखा दीजिए शहजाद पूनावाला मेरे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता युवा नेता संजीव उनियाल है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी यहीं पे बैठ के देख।